नमस्ते कार, और आज हम खड़े हैं एक जापानीज़ हैचबैक के सामने जिसका नाम है मारुति सुजुकी वैगन आर। वैगन आर में आर का फुल फॉर्म होता है रिक्रिएशन। वैगन आर सबसे पहली कार्स में से एक है जिसमें टॉल बॉय डिज़ाइन यूज़ हुआ था, लंबी हाइट और छोटा बोनेट। इससे कैबिन में ज़्यादा स्पेस बनती है और कार की लेंथ भी छोटी रहती है। 2003 से जापान की सबसे ज़्यादा बिकने वाली छोटी कार है वैगन आर। इंटरनेशनल मार्केट में वैगन आर तो अपने 6th जनरेशन में है, बट इंडिया में आज जो आप देख रहे हैं वैगन आर, ये 2nd जनरेशन में है। पेट्रोल, CNG और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अवेलेबल है वैगन आर। शुरू होती है 4,23,000 रुपये से और टॉप मॉडल की कीमत है 5,44,000 रुपये। ये VXI मॉडल आप देख रहे हैं जिसकी कीमत है 4,50,000 रुपये। VXI प्लस स्टिंगरे लुक में आता है जिसके लिए हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। हालांकि दोनों के इंटीरियर सेम है, बस लुक्स में थोड़ा डिफरेंट है। और ये हैं 14 इंच के स्टील व्हील्स, आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक मिलेंगे। ट्यूबलेस टायर्स हैं, 660 cc, 1200 cc और 1300 cc इंजन मॉडल्स आते हैं, बट वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। 85 kg कर्ब वेट है वैगन आर का। ये ग्रे कलर आप देख रहे हैं, वाइट, चॉकलेट, ब्लू, रेड, सिल्वर और मिडनाइट ब्लू का भी ऑप्शन है। सेफ्टी के अंदर सेंटर लॉकिंग, एनर्जी एब्जॉर्बिंग बॉडी स्ट्रक्चर, चाइल्ड प्रूफ डोर लॉक, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम और एंटी थेफ्ट सिस्टम मिलेंगे। एयरबैग्स और ABS का भी ऑप्शन है। और ये यहाँ पे ऊपर सिल्वर रूफ रेल्स भी आपको मिलती हैं। इस VXI मॉडल के नीचे LXI मॉडल भी आता है। टॉप मॉडल स्टिंगरे जो VXI प्लस नाम से है, उसमें आपको रूफ रेल्स नहीं मिलती हैं। आइए अब यहाँ से कीज डाल के बूट ओपन करते हैं। तो यहाँ आपको मिलती है 180 लीटर की बूट स्पेस, और साथ में पीछे कुशंस भी रखे हैं। कुशंस शायद एक्सरीज में होंगे। अब पीछे की सीट्स कुछ ऐसे दिखती हैं और डैशबोर्ड भी। ये टूल किट यहाँ पे रखी है ऊपर, और इसके नीचे स्पेयर व्हील आपको मिलेगा। इसको क्लोज कर देते हैं। आइए अब पैसेंजर साइड डोर खोलते हैं पीछे का। तो यहाँ आपको मिलती है डुअल टोन इंटीरियर और फैब्रिक अपॉल्स्ट्री भी मिलती है डोर पे। चारों डोर्स पे चार स्पीकर्स आपको मिलेंगे। और ये थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है यहाँ पे। ये पियानो फिनिश है और ये वैगन आर के पीछे स्कफ प्लेट मिलेगी। और ये डुअल टोन फैब्रिक सीट्स, ये सीट कवर्स हैं यहाँ पे, बेसिकली सीट कवर्स लगाए हुए हैं। और कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट का डैशबोर्ड। पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी बीच में, और 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील। सो क्लोज कर देते हैं, अब ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं। तो यहाँ पर भी फैब्रिक अपॉल्स्ट्री आपको डोर पे मिल रही है थोड़ी सी, और ब्लैक डोर, साथ में थोड़ी बहुत स्पेस यहाँ नीचे है, और ऊपर पियानो फिनिश है। पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं चारों, और ये स्कफ प्लेट काफ़ी बड़ी और लाइट यानी लाइट के साथ। और कुछ ऐसी दिखती हैं फ्रंट की सीट्स। और ये डुअल टोन डैशबोर्ड ब्लैक और बीज में, एडजस्टेबल टिल्ट स्टीयरिंग आपको मिलेगा। ये फ्रंट लाइट के कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, इसको क्लिक करेंगे तो ये एक कप होल्डर या ग्लास होल्डर यहाँ से बाहर निकलता है। और ये वैगन आर के कारपेट हैं, ये पीछे के फ्यूल लिड और बूट को खोलने के लिए। ये पता नहीं ये क्या चीज़ है यहाँ पे, ये सीट बेल्ट्स के लिए। ये हैंड ब्रेक है यहाँ पे, और ये 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, ऑटो शिफ्ट गियर बॉक्स का भी ऑप्शन आपको मिलता है। थोड़ी बहुत स्पेस यहाँ दी गई है। अब कीज डाल के कार ऑन कर लेते हैं। यहाँ मिलता है हीटर के साथ आपको एयर कंडीशनिंग सिस्टम,
चार ब्लोअर के ऑप्शंस हैं यहाँ पे, और ये है ऑडियो सिस्टम, डिजिटल क्लॉक, यूएसबी, ऑक्स, एफएम, रेडियो, सीडी सपोर्ट के साथ। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर वाले ऊपर में आपको कंपार्टमेंट मिलता है, और नीचे यहाँ साइड में एक और ग्लास होल्डर, और इस टाइप से वेंट्स ओपन होते हैं। इसको खोलेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस के साथ ग्लो बॉक्स, और ये रीडिंग लाइट्स हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ी, ये वैनिटी मिरर पैसेंजर साइड, ड्राइवर साइड मिरर नहीं मिलेगा, बस टिकट होल्डर्स हैं, और ये थ्री स्पोक स्टेयरिंग व्हील, ये फ्रंट लाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ पे, और ये हैं वाइपर के कंट्रोल्स, और ये है ब्लू थीम में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डिजिटल फ्यूल इंडिकेटर, दो ट्रिप मीटर टैकोमीटर के साथ। आइए फ्रंट का बोनेट खोलते हैं, तो यहाँ आपको मिलता है 1000 सीसी का तीन सिलेंडर पेट्रोल इंजन, 67 हॉर्स पावर है, 90 Nm का टॉर्क है, 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज आपको मिलेगा 35 लीटर के फ्यूल टैंक से, और लगभग 150 किलोमीटर की टॉप स्पीड वैगनार क्लॉक कर लेती है अपने इस 1000 सीसी के इंजन से। CNG का भी ऑप्शन है। कैसी लगी आपको मारुति सुजुकी वैगन आर, हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।